हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जिसे सुनने के बाद आप अपनी ज़िंदगी में कभी भी लालच नहीं करेंगे। और अगर आपने अभी तक मेरा ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ऐसे ही नए वीडियोस और इंटरेस्टिंग कहानियाँ आपके लिए लाता रहूँगा। और आप इस कहानी को ज़रूर पूरा सुनिए, क्योंकि आपकी ज़िंदगी को बदल सकती है। तो कहानी कुछ इस तरह शुरू होती है। एक गांव में एक बहुत बड़ा सेठ रहता है। वह सेठ उस गांव का सबसे अमीर व्यक्ति होता है। उसकी सोने चांदी की दुकान होती है और वह अपने दुकान के हिसाब किताब के लिए एक व्यक्ति को रखता है, जिसे वह मुनीम जी कहता है। सेठ जी के पास बहुत सारा पैसा होता है, ज़मीन होती है, धन दौलत होती है, पर फिर भी वो हमेशा परेशान रहता है। वह अपनी पत्नी और बच्चों से अच्छे से बात नहीं करता है। वह हमेशा परेशान रहता है, कभी खुश नहीं रहता है। और उसकी पत्नी भी हमेशा शिकायत करती रहती है कि इनका व्यवहार ठीक नहीं है, ये तो हमेशा ही पैसे कमाने में लगे रहते हैं, हमारे ऊपर तो ध्यान ही नहीं देते। तो इन सब से परेशान होकर सेठ जी ने अपने मुनीम जी से पूछा कि मुनीम जी, मेरे पास तो इतनी संपत्ति है, सब कुछ है, आराम करने के सारे साधन मेरे पास मौजूद हैं, फिर भी मैं खुश क्यों नहीं हूँ? मेरी पत्नी मुझसे परेशान क्यों है? तो मुनीम जी ने कहा कि मैं आपको इसका उत्तर ज़रूर बताऊंगा। सेठ जी के पड़ोस में ही एक गरीब इंसान रहता है, जिसका छोटा सा घर होता है, वो भी कच्चा बना हुआ होता है, पर वह हमेशा खुश दिखाई देता है। वह हमेशा अपने बच्चों के साथ खेलता है, अपनी पत्नी से बातें करता है और बाहर घूमने भी जाता है, और सुबह सुबह अपने छोटे से खेत में काम करने के लिए निकल जाता है और वहाँ पर खेती करके जो अनाज उगता है उससे अपने खाने पीने का काम चला लेता है। तो यह सब देखकर सेठ जी मुनीम जी से पूछते हैं कि देखो, उस गरीब के पास तो संपत्ति भी नहीं है, आराम करने के साधन भी मौजूद नहीं है, फिर भी वह इतना खुश है, और मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं खुश नहीं हूँ, मेरी पत्नी हमेशा मुझसे शिकायत करती रहती है, ऐसा क्यों है? तो मुनीम जी सेठ जी से कहते हैं कि आप मुझे 100 सोने के सिक्के एक मटके में दे दीजिए। तो वह सेठ जी मुनीम जी को वह सिक्के दे देता है। तो मुनीम उन 100 सिक्कों में से एक सोने का सिक्का निकाल लेता है। उस गरीब आदमी के घर के सामने के चौखट पर ज़मीन में दबाकर आ जाता है और वह इस तरह दबाता है कि कपड़ा थोड़ा सा ऊपर की तरफ दिखाई दे और उन्हें आसानी से मिल जाए। अगले ही दिन जब उस गरीब इंसान के बच्चे खेल रहे होते हैं तो वह देखते हैं कि यहाँ पर कुछ दबा हुआ है। तो वह अपने पापा को बुलाते हैं और जब वह देखता है कि इस मटके में 99 सोने के सिक्के हैं तो वह बहुत खुश होता है कि अब हम गरीब नहीं रहे, अब हमारे पास भी संपत्ति है। पर उसके बाद उस गरीब इंसान को लालच आ जाता है कि मेरे पास 99 सोने के सिक्के हैं, अगर मैं थोड़ा सा और काम करूँगा तो मेरे पास 100 सिक्के हो जाएंगे। तो वह अगले दिन से ऐसे ही करता है, वह ज़्यादा काम करने लग जाता है और वह हमेशा इसी बारे में सोचता रहता है कि वह कैसे एक सोने का सिक्का इकट्ठा कर पाए, और अपनी पत्नी से भी सही से बात नहीं करता, जिससे उसका झगड़ा भी हो जाता है, और अपने बच्चों से भी अच्छे से बात नहीं करता। और ये सब सेठ जी अपने घर से देख रहे होते हैं, कैसे जब उस गरीब इंसान को वह सोने का मटका नहीं मिला था तब तक वह खुश रहता था, पर जैसे ही उसे वह 99 सोने का सिक्का वाला मटका मिला तो वह परेशान होने लग गया। फिर उसके बाद उसने मुनीम जी से पूछा कि इसका क्या अर्थ है। तो मुनीम जी ने उसे बताया कि सेठ जी, आपके पास भी बहुत सारी संपत्ति है, पर आप हमेशा थोड़ा और जोड़ने के चक्कर में परेशान होते रहते हैं। आपके पास जो संपत्ति है आप उसका कभी सदुपयोग ही नहीं करते, आप हमेशा थोड़ा सा और जोड़ना चाहते हैं, और आपकी नज़र उस संपत्ति पर जाती ही नहीं है कि मेरे पास तो इतनी सारी संपत्ति है और मैं अपनी ज़िंदगी को आराम से जी सकता हूँ, आप उसे जोड़ने में ही लगे रहते हैं। आपको अपना लालच छोड़कर आपके पास जो संपत्ति है उसी में आपको खुश रहना चाहिए, और आपको अपने बच्चों और पत्नी के साथ अच्छा समय बिताना चाहिए। आपके पास इस समय जो संपत्ति है, अगर आप इसमें खुश नहीं हैं और अगर आप थोड़ा सा और जोड़ना चाहते हैं तो आप ज़िंदगी पर ऐसा ही करते रहेंगे और इसी तरह परेशान होते रहेंगे। तो आप अपनी ज़िंदगी में संतुष्ट होना सीखिए,
ज़्यादा धन कमाने के लिए परेशान मत होइए। अगर आप संतुष्ट हो जाएंगे तो आप अपने आप ही सुखी हो जाएंगे। तो यह बात सेठ जी समझ जाते हैं और फिर वह ऐसी गलती कभी नहीं दोहराते। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। थैंक यू।